चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। अ मैन वेइंग 80 किलोग्राम इज स्टैंडिंग इन अ ट्रॉली वेइंग 320 किलोग्राम। द ट्रॉली इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल रेल्स। इफ द मैन स्टार्ट्स वॉकिंग ऑन द ट्रॉली विद अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, देन आफ्टर 4 सेकेंड हिज डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव टू द ग्राउंड विल बी कितना होगा। तो देखो ट्रॉली का मास दिया हुआ है 320 किलोग्राम, उस आदमी का मास दिया है 80 किलोग्राम। तो सबसे पहले ये ट्रॉली बना लेते हैं, ये व्हील है उसका, ये रेल है जिस पे ये चल रहा है, ठीक है, ये फ्रिक्शन रेस्ट रेल है। ये आदमी खड़ा है जिसका मास M कंसिडर कर लेते हैं, ट्रॉली का मास कैपिटल M कंसिडर कर लेते हैं, और ये रेस्ट पे था। जैसे ये चलना शुरू करेगा, मान लेते हैं वेलोसिटी V है, तो हम जनरली जब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग जमीन पे फोर्स लगा के आगे बढ़ते हैं, पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, तो ये जो एक्शन होता है इसका रिएक्शन हम लोग को मिलता है, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये एक्शन फोर्स, उसका रिएक्शन फोर्स, यानी पीछे की तरफ हम धक्का दे रहे हैं। इसका ये जो कंपोनेंट है ना थीटा वाला, अब मान लो ए कॉस थीटा, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट की वजह से ये धक्का दे रहा है पीछे की तरफ ग्राउंड को या ट्रॉली को। तो जब ट्रॉली को पीछे की तरफ धक्का देगा तभी तो ये बच्चा या आदमी जो है आगे बढ़ेगा, तो ये पॉइंट याद रखना है। लेकिन ये जो फोर्स लगा रहा है, ये पूरा सिस्टम आदमी और इस ट्रॉली को हम एक आइसोलेटेड सिस्टम अगर कंसिडर करें, तो ये दोनों फोर्सेस एक्शन रिएक्शन ये इंटरनल फोर्सेस हैं, और इंटरनल फोर्स की वजह से मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आता है, ध्यान रखना इस बात का। इंटरनल फोर्स की वजह से मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आता है, नेट मोमेंटम कंजर्व रहता है, जितना शुरू में था उतना ही बाद में रहता है, ठीक है। तो पहली बात कि और एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ही मोमेंटम में चेंज आता है, इंटरनल फोर्स की वजह से नहीं आता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं उस बात को, ठीक है। तो अब जब ये आदमी आगे बढ़ेगा, एज्यूम कर तो m इंटू वी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, तो उतना ही जो मोमेंटम होगा, अगर ये आगे का मोमेंटम है इस आदमी का, तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम पीछे की तरफ होगा। अगर ये ट्रॉली मान लो वी डैश वेलोसिटी से पीछे जा रही है, तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम कितना हो जाएगा, m कैपिटल m इंटू स्मॉल m इंटू वी डैश, आगे का मोमेंटम इस आदमी का आगे जाने का मोमेंटम जो है, उतना ही पूरे सिस्टम का पीछे जाने का मोमेंटम होगा। तो अब ध्यान से देखना जो मैं बात बोल रहा हूं, m किसका मास है, इस आदमी का 80 किलोग्राम, v की वैल्यू कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड, तो ये वैल्यू यहां रखते हैं 80 किलोग्राम, ठीक है, इंटू 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू, ये कैपिटल एम है, कैपिटल एम मतलब ट्रॉली का मास 320 प्लस 80 उस आदमी का मास इंटू वी डैश। तो ये वी डैश किसका वेलोसिटी है, इस पूरे सिस्टम की वेलोसिटी है जो पीछे की तरफ है लेफ्ट साइड में है। तो ये कितना आ जाएगा, 80 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 400 इंटू वी डैश, अगर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 80 बाई 400 इट मीन 0 0 कटेगा, 1/5 आएगा, 1/5, 1/5 का मतलब 0.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 0.2 मीटर पर सेकेंड, यानी हर एक सेकेंड में 0.2 मीटर ये पीछे जाएगा, हर एक सेकेंड में 0.2 मीटर ये पूरा सिस्टम, और सिस्टम में ये आदमी भी शामिल है, आदमी भी इंक्लूड है ना पूरे सिस्टम में। तो बच्चा ये जो आदमी है, अगर एक सेकेंड में 1 मीटर आगे बढ़ रहा है, तो उस एक सेकेंड में 1.2 मीटर पीछे भी जा रहा है, ठीक है, 0.2 मीटर पीछे भी जा रहा है। इसका मतलब है एक सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0.8 मीटर हो रहा है, 0.8 मीटर, तो 4 सेकेंड में पूछ रहा है ना, तो 4 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो 4 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 4 into 0.8 कितना होगा, 3.2 मीटर होगा। कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ये वाला सी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।